दिल्ली में विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जहां ये वादा किया कि 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले लोगों के बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे, वहीं दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने एक वीडियो जारी करके दिल्ली सरकार पर बिजली घोटाले का आरोप लगाया है। नमस्कार, हमारे ही टैक्स पेयर्स के पैसों से केजरीवाल साहब फुल पेड विज्ञापन निकालकर बिजली के क्षेत्र में दो बातों पर झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असलियत में दिल्ली में बिजली के रेट भारत में सबसे ज्यादा हैं। फिक्स चार्ज, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, रेगुलेटरी एसेट, आरए सरचार्ज, पीटी सरचार्ज, पीपीएसी, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, स्लैब सिस्टम, एलटी, एचडी जैसे टेक्निकल बातों के अंदर जंजाल में सबको फंसा दिया जाता है। परंतु सच क्या है? पहला सच यह है कि दिल्ली की निजी कंपनियां हमारे और आप दिल्ली वासियों से 2018-19 के दर के अनुसार 8.45 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली की कीमत वसूलती हैं, और यह हिंदुस्तान में सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। उदाहरण के लिए दिल्ली के 8.45 रुपए प्रति यूनिट के मुकाबले सूरत गुजरात में यह 6.41 रुपए, मध्य प्रदेश में 6.59 रुपए है, पंजाब में 6.63 रुपए है, मुंबई वेस्ट में 6.94 रुपए है, बेंगलुरु में 7.37 रुपए है, मुंबई टाटा पावर में 7.51 रुपए है, और दिल्ली में जैसे मैंने कहा 8.45 रुपए जो भारत में सर्वाधिक है। और दूसरा सच क्या है जो बहुत महत्वपूर्ण है? 2013-14 के औसत से 7.36 रुपए प्रति यूनिट बिजली दर को बढ़ा करके एक एक करके 2018-19 में 8.35 रुपए कर दिया गया। यह कोई छोटी बढ़ोतरी नहीं है। 5 वर्ष का अगर अनुमान लगाएं तो प्राइवेट कंपनीज ने 9,999 करोड़ रुपए यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त पैसे कमाए। केजरीवाल सरकार ने इन्हीं निजी कंपनियों को जिनके अकाउंट सीएजीएस ऑडिट नहीं होते हैं बगैर जांच पड़ताल के 8,500 करोड़ रुपए दे दिए। यह स्कैम नहीं है तो क्या? अब कुछ वाजिब प्रश्न उठते हैं कि यह सब मेरे जो आंकड़े हैं ये कहां से आए हैं? क्या दिल्ली में रेगुलेटरी एसेट्स कम हो रहे हैं? अगर हाँ तो किस दर से कम हो रहे हैं? दिल्ली की लोड शेडिंग और बिजली की चोरी की स्थिति क्या है और उनका समाधान क्या है? इन सब चीजों का समाधान क्या है? इन सभी मुद्दों के ऊपर 29 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्पीकर हॉल में दोपहर 2:30 पर मीडिया एवं आरडब्ल्यूए के साथियों के साथ हम सब बातचीत करेंगे। यह एक सकारात्मक और समाधान की दिशा में पहल होगी। इसका डायरेक्ट टेलीकास्ट भी किया जाएगा। इंतजार करें, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। अजय माकन ने अपने ट्वीट में लिखा, एक जरूरी संदेश, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा देने के बाद मेरा दिल्ली की राजनीति से कोई सीधा वास्ता नहीं है, निकट भविष्य में ऐसी कोई इच्छा भी नहीं है। विभिन्न विभागों को संभालकर एक सजग नागरिक होने के नाते आपको कुछ अफवाहों से ध्यान हटा सच से रूबरू कराना चाहता हूँ।